ये प्रधानमंत्री जी का विजन उन्हें अवसर देखने की प्रेरणा देखता है। जहाँ पर एक सामान्य जनप्रतिनिधि समस्या देखता है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान की ओर देखते हैं। जहाँ एक सामान्य जनप्रतिनिधि त्वरित लाभ की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता उन्हें चीज़ों को दूरगामी दृष्टिकोण से आने वाले हजार साल के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के नेतृत्व नभ में सबसे देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आप को कहीं अकेला पाता हो या किसी क्षेत्र में पीछे छूटा हुआ वह अनुभव करता हो। पिछले 10 वर्षों में आपने भारत के विकास भवन की जो मजबूत नींव रखी है, उससे भारत की जनता को पूरा विश्वास है कि आपके तीसरे चौथे कार्यकाल तक इस विकास भवन का शिखर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। साथियों, आज का दिन तो आप सभी उद्यमी बंधुओं का दिन है, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर भी विशेष बात करना चाहूँगा। एक समय था जब जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के बीच की मुलाकात को बड़े संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता था। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उद्योगपति से मिलना उसके राजनीतिक कैरियर के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि राजनेताओं और उद्योगपतियों का गठजोड़ राष्ट्र के विकास के लिए यह अच्छा नहीं है। कोई इस ओर ध्यान देने वाला नहीं था कि राजनेता और उद्योगपति यदि साफ नीयत के साथ मिलकर काम करें तो राष्ट्र कितनी तेजी से प्रगति करेगा। लेकिन यहीं पर मूल अंतर दिखाई देता है किसी सामान्य जनप्रतिनिधि और माननीय प्रधानमंत्री जी में। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से ही यह देश देख रहा है कि किस प्रकार आप उद्योगपतियों के साथ मिलकर गुजरात में बदलाव की एक ऐसी बयार लेकर आए जिसकी सुगंध सारे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में दूर दूर तक फैली है। आज देश के अनेक राज्य, यहां तक कि गैर भाजपा शासित राज्य भी विकास के गुजरात मॉडल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए भी साधुवाद के पात्र हैं कि आपने उद्योगपतियों और राजनेताओं के बीच के संबंध को अपने संकल्प और अपनी राजनीतिक शुचिता के माध्यम से देश के विकास की एक अनिवार्य शर्त बना दी है। मुझे यह देखकर भी अत्यंत प्रसन्नता होती है साथियों कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज एक बहुत ही क्रियाशील और प्रभावी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बीते 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसकी परिणति यह है कि आज उत्तर प्रदेश में यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की दिशा में एक पाथ ब्रेकिंग सेरेमनी साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं आश्वस्त हूँ हमारा उत्तर प्रदेश आगे विकास के नए आयाम गढ़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर प्रदेश समेत पूरे देश को वैश्विक पटल पर निश्चित रूप से और आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हमारे
बीच आज लखनऊ में उपस्थित हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को लेकर विकास के नए कीर्तिमानों को स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के लिए मंच पर पधारने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। ₹140 करोड़ भारतीयों के सुख समृद्धि और संतुष्टि के लिए निरंतर साधनारत दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधान परिषद के माननीय सभापति माननीय कुमार मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, आज के समारोह में विभिन्न देशों के सम्मानित राजदूत और हाई कमिश्नर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, शासन प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुगण और उत्तर प्रदेश पर विश्वास जताने वाले देश और दुनिया से आए हुए उद्योग जगत के सभी प्रतिष्ठित निवेशक और उद्यमी बंधुओं, मैं सबसे पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने और अभी हाल ही में यूएई में अबू धाबी में दुनिया का पहला भारत का मंदिर स्थापित करने के लिए आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रकृति, परमात्मा और प्रतिभा की पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश की जनता अपने इस चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के भव्य आयोजन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती है। हम सभी का सौभाग्य है आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तब इस ऐतिहासिक कालखंड में हम सभी साक्षी और सहभागी बन पा रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि भारत के अमृत काल के सारथी के रूप में हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन
और नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। मुझे याद है वर्ष 2018 के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है, वर्च्यूज है, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर से ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर से ही में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोर स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। आज 6 वर्ष बाद मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज 6 वर्ष के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह 4था संस्करण आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और औद्योगिक निवेश के बारे में भारतीय मनीषा क्या कहती आई है। आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, पहली भूमि, दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि तीनों तत्व आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मुझे याद है वर्ष 2018 में जब हमने यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तब हमारी सरकार ने अपना पहला ही वर्ष पूरा किया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में उस शुरुआती चरण में भी आपने प्रदेश पर विश्वास जताया और परिणामतः 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से मात्र 5 माह में यानी जुलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें 61,700 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सकारात्मक प्रवेश के बीच जुलाई 19 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शुभारंभ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इन निवेश परियोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सृजन हुआ। कोविड कालखंड के बावजूद तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अन्य 2 संस्करणों की तुलना में और भी भव्य था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अभूतपूर्व सफलता से आप सभी सुपरिचित हैं और उसके सहभागी रहे हैं। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज GBC 4 में
10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यही स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आपके सहयोग से क्रियान्वित हो रही ये परियोजनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज के इस जीबीसी फोर में न केवल औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश के 34 लाख से अधिक युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की अवसर भी प्रदान करने का एक अद्भुत क्षण होगा। उत्तर प्रदेश जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे, आने से कतराते थे, आज वह वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, देश की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान कर रहा है। हमारा राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन से आप सभी सुपरिचित हैं। देश का 55% एक्सप्रेसवे इसी प्रदेश में है, सबसे बड़ा रेल और रोड नेटवर्क भी यहीं पर है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन इसी उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश ही है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के कोने कोने से में मैन्युफैक्चरिंग के केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। हमारी तैयारी है कि अगले वर्ष की शुरुआत में जब आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए आए तो गंगा एक्सप्रेसवे का सुखद अनुभव आपको प्राप्त हो सके। आज उत्तर प्रदेश में जल, थल और नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब लैंडलॉक्ड स्टेट के बंधन को समाप्त कर वाराणसी से हल्दिया तक पूर्वी बंदरगाह से जलमार्ग से जुड़ चुका है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी किया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस और लीड्स रैंकिंग में हम अचीवर स्टेट हैं। यहाँ लैंड भी पर्याप्त है, बिजली भी भरपूर है, न मैन पावर की कमी है, न विल पावर का अभाव ही। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ही प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी का परिणाम है कि आज हर निवेशक यहां आना चाहता है। इसमें हर एक व्यक्ति की जवाबदेही है और नीतियों में पारदर्शिता भी। उत्तर प्रदेश हर निवेशक का सम्मान करता है। अब तो लोग कहने लग गए हैं कि सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश। एक अभिनव प्रयास करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश में FDI और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए भी एक समर्पित नीति घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह से पहला प्रयास है। इसका लाभ भी आप लोग अवश्य लेंगे, इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है, हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में
हमारा देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह मोदी जी की गारंटी है, इस पर यूपी को भी यकीन है और पूरा भारत पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा